हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने। अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज है, रफ्तार का कहर, कोटिया के पास प्राइवेट ओवरलोडिंग बस गिरी खाई में। कनीना, कौशली से नारनौल जा रही मिनी बस बुधवार को सुबह कोटिया के पास खाई में जा गिरी। ओवरलोडिंग बस तेज़ रफ्तार और कंपटीशन के चक्कर में जल्दबाजी करते हुए ट्रक को ओवरटेकिंग करते हुए बस खाई में जा गिरी। बस में तकरीबन 50 से 55 यात्री और चालक परिचालक मौजूद थे। बस काफ़ी तेज़ गति में थी, ड्राइवर गति पर कंट्रोल नहीं कर सका और बस खाई में जा गिरी, जिससे बस में सवार दर्जन बन व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें नज़दीकी राजकीय अस्पताल कनिया में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको बाहर रेफर कर दिया। कुछ लोगों का प्राथमिक उपचार कनिया में ही चल रहा है। जिन लोगों को गंभीर चोट लगी उसमें कपिल पुत्र अमर सिंह उम्र 25 वर्ष गांव निशान, रमेश पुत्र राज सिंह उम्र 25 साल गांव निशान से ही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रोड पर इस तरीके की सड़क दुर्घटना आए दिन देखने को मिल रही हैं। कारण, प्राइवेट बस वाले बस की क्षमता से अधिक सवारियां बैठा लेते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए, जान की परवाह नहीं करते और किराया भी मनमाना वसूल करते हैं। जनता प्राइवेट बस वालों से बहुत परेशान है, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। यहाँ रोड की किनारियाँ भी साइडों से कटी हुई हैं। यहाँ पर पहले भी कई बार सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन गनीमत रही कि आज के इतने बड़े हादसे में भी कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। क्रेन की सहायता से बस को बाहर निकाला गया। कनीना पुलिस इस दुर्घटना की जांच कर रही है।